कौन है गुप्ता ब्रदर्स? राशन की दुकान चलाने वाले के बेटों ने साउथ अफ्रीका में कैसे गाड़े झंडे? राजनीति की भेंट चढ़ा गुप्ता ब्रदर्स का साम्राज्य। क्यों हुई गुप्ता ब्रदर्स की गिरफ्तारी? क्यों चर्चा में है सहारनपुर के गुप्ता ब्रदर्स? एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि समय बड़ा बलवान होता है, और जब समय चोट करता है तो अच्छा खासा इंसान भी अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। और आज हम आपको एक ऐसी ही दास्तान दिखाने जा रहे हैं जिसके किरदार हैं गुप्ता ब्रदर्स। ये दास्तान क्यों पूरे देश को सुननी चाहिए तो उसकी वजह जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पैदा हुए गुप्ता ब्रदर्स मुश्किलों में है। पहले दक्षिण अफ्रीका से फरार हुए, दुबई में जाकर शिफ्ट हुए, लेकिन अब दुबई में भी वो बुरी तरह से फंस गए हैं। गुप्ता ब्रदर्स की गिरफ्तारी यूएई में की गई है। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। कहानी थोड़ी पुरानी है लेकिन मसला नया है। आज बात तीन ऐसे भाइयों की जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन की बदौलत भारत का नाम दक्षिण अफ्रीका तक ऊंचा कर दिया, लेकिन आज वो फिर से सुर्खियों में है। किसी बड़ी उपलब्धि के चक्कर में नहीं, बल्कि यूएई की पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। आपको बताते हैं क्यों। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के तीन भाइयों ने कारोबार जगत में विदेश में अपना डंका बजाया। कहानी की शुरुआत होती है 1993 से, जब एक सामान्य परिवार में जन्मे अतुल, अजय और राजेश अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद दक्षिण अफ्रीका गए। संघर्ष के थपेड़ों से लड़ते हुए धीरे धीरे अपनी व्यवसाय की जमीन तैयार की, और देखते ही देखते दक्षिण अफ्रीका के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक बन गए। पिता बहुत ही सामान्य सी दुकान चलाते थे। ऐसे परिवेश से निकलकर साउथ अफ्रीका में झंडा गाड़ना आसान नहीं था। आपको बता दें कि 1985 में इन भाइयों के पिता ने अपने सबसे तेज तरार और हुनरमंद बेटे अतुल गुप्ता को दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा, जहां उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपनी जेब का खर्च निकालने के लिए होटल हयात में नौकरी तक की। फिर क्या था, देखते ही देखते समय बदला। दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए, जहां उन्होंने कुछ दिन नौकरी की, लेकिन मन में ललक थी कुछ बड़ा करने की। मार्केट को भापते हुए व्यापार में उतरे, किस्मत आजमाने की सोची, काम शुरू किया, वक्त का पहिया घुमा और अपने भाइयों को भी दक्षिण अफ्रीका बुला लिया। धीरे धीरे सहारा कंप्यूटर्स नाम की एक कंपनी खड़ी कर डाली। साथ ही इन भाइयों ने व्यापार की दुनिया में अपनी सफलता के झंडे गाड़ना शुरू किया। पैर पसारे और कोल माइनिंग में हाथ आजमा लिया। दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति जेकब जुमा की छवि को चमकाने में जुट गए। मीडिया का सहारा लिया, राजनीतिक संबंधों में अलग सी धार सामने आ गई, और इसके बाद व्यापार के रास्ते खुल गए। पिता का निधन हुआ, तीनों भाइयों ने अपने बच्चे और पत्नियों को साथ बुला लिया। 2016 में ये खबर आई कि गुप्ता ब्रदर्स को सबसे अमीर व्यापारियों का दर्जा मिल गया, जिसकी चर्चा साउथ अफ्रीका से लेकर भारत तक में होने लगी। बड़े भाई की संपत्ति 55 अरब तक आ की गई, लेकिन कहते हैं इसी के बाद से बुरा वक्त शुरू हो गया, जब दक्षिण अफ्रीका के उप वित्त मंत्री बीसी जोनस ने गुप्ता बंधुओं पर गंभीर आरोप लगा दिए। अब मामले को भी समझिए। मामला साल 2016 का है। 2016 से गुप्ता ब्रदर्स के बुरे दिनों की शुरुआत हुई, जब दक्षिण अफ्रीका के एक नेता ने गुप्ता ब्रदर्स पर आरोप लगाए कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा के करीबी होने का फायदा उठाकर गलत तरीके से कारोबार को फैलाया और दूसरे नेताओं को वही के मंत्री पद दिलवाने का वायदा तक किया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जेकब जुमा को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। गुप्ता ब्रदर्स पर सरकारी जांच एजेंसी ने जांच बिठाई, और फिर तीनों भाई दक्षिण अफ्रीका से फरार हो गए, दुबई शिफ्ट हुए। गुप्ता ब्रदर्स के खिलाफ जुलाई 2021 में इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी कर दिया था, जिसके बाद मुश्किलें और बढ़ गई। अब गुप्ता ब्रदर्स के खिलाफ शिकंजा कसा गया और दो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये थी गुप्ता ब्रदर्स की कहानी। पिता सहारनपुर में मसाले बेचते थे, बेटों ने साउथ अफ्रीका में साम्राज्य खड़ा किया, मगर आज वही साम्राज्य दांव पर लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।